वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 6 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 6 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अंत में मैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु और स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के बीच में संपन्न हुआ है और यह खिताब स्पेन की खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने जीत लिया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कैरोलिना मारिन ने कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इस बार को मिलाकर यह उनका तीसरा स्वर्ण पदक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैरोलिना मारिन किस कंट्री से है? तो ये स्पेन कंट्री से बिलोंग करती है। आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल खिताब में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा और PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन चीन के नानजिंग में किया गया है। PV सिंधु या पुसरला वेंकट सिंधु, इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था और भारत की ओर से ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक के खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली महिला खिलाड़ी हैं और PV सिंधु तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। जैसा कि आप मैप में तेलंगाना राज्य को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं, तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना है और इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और फिलहाल आंध्र प्रदेश राज्य की भी राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है नारा चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले जापानी पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 5 अगस्त को संपन्न हुई है और इसके फाइनल मैच चीन के खिलाड़ी शी युकी और जापान के खिलाड़ी केंटा मोमोतो के बीच में संपन्न हुआ है, जिसमें जापान के खिलाड़ी केंटा मोमोतो ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं चीन के खिलाड़ी शी युकी ने सिल्वर मेडल जीता है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप चीन के नानजिंग में खेली गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंटा मोमोतो की करंट रैंकिंग क्या है, तो केंटा मोमोतो की करंट रैंकिंग है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 7 की तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा इंडोनेशिया में। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र लबोक आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है उसके पास दर्ज किया गया और भूकंप का केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया में कुल 17,508 द्वीप है और यह दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बोरोबुदुर और ये कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप की। भूकंप से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसकी टर्म से रिलेटेड। सबसे पहली टर्म आती है फोकस। फोकस जमीन के अंदर वो पॉइंट होता है जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को भूकंप उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है एपिसेंटर। एपिसेंटर जमीन के ऊपर वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल फोकस के परपेंडिकुलर होता है और जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता लगा था, इसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि भूकंप की स्टडी को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी और जिस यंत्र से भूकंपीय तरंगों को मापते हैं उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट आता है भूकंप पैमाने की यूनिट। भूकंप को
रिचर पैमाना या रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है? रिएक्टर स्केल की खोज 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिसी रिचर ने की थी, और इसमें 0 से 9 तक की यूनिट है, और जो भूकंप 6 से ऊपर के होते हैं वे बहुत ही विनाशकारी होते हैं। जैसे कि अब इंडोनेशिया में 7 के रिचर का भूकंप आया है, यह बहुत ही विनाशकारी है, इसलिए वहां पर सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल की खोज 1931 में इटली के वैज्ञानिक मार्केली ने की थी, और इसमें कुल 12 यूनिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू या देवी महाकाली बोनुलू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? तो इसमें आंसर आएगा बोनालू या देवी महाकाली बोनुलू एक हिंदी त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना राज्य का वार्षिक त्यौहार है जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। एग्जाम्स में आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विन सिटी है जिसमें दो शहरों के नाम दिए जाते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अगस्त को जारी आईसीसी प्लेयर रैंकिंग फॉर टेस्ट बैट्समैन की सूची में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। और सचिन जो जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर पहुंचे थे, उसके बाद अब विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे हैं, और ऐसा करने वाले विराट कोहली भारत के 7वें बल्लेबाज बने हैं। वे 7 बल्लेबाज हैं विराट कोहली, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और दिलीप वेंगसरकर, जो अपने करियर के दौरान टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कड़कनाथ चिकन मांस को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह मध्य प्रदेश के झाबुआ की पारंपरिक प्रजाति है, और यह कड़कनाथ मुर्गी की एक प्रजाति है। यह आपके एग्जाम्स में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि कड़कनाथ किसकी एक प्रजाति है, आपके ऑप्शंस में अलग अलग थे, तो आपका आंसर होगा कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति है। और जीआई पंजीयन का चिन्ह विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो अनूठी खासियत रखते हैं, और जीआई प्रमाणन के कारण कड़कनाथ मुर्गे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबारी पहचान भी हासिल होगी जिससे इसके निर्यात के रास्ते खुल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कड़कनाथ मुर्गे। झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में कालामासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। कड़कनाथ प्रजाति के जीवित पक्षी इसके अंडे और इसका मांस दूसरे मुर्गों की प्रजातियों के मुकाबले काफी महंगी दरों पर बिकता है, और कड़कनाथ के मांस में दूसरी प्रजातियों के चिकन के मुकाबले चर्बी और कोलेस्ट्रॉल काफी कम होता है। झाबुआ वंशी मुर्गे के गोश्त में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और कड़कनाथ चिकन की मांग इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें अलग स्वाद के साथ ही औषधीय गुण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पंडित दीनदयाल जंक्शन किया जाएगा। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गगनजीत बुलर किस गेम से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा गगनजीत बुलर गोल्फ से संबंधित है, और हाल ही में उन्होंने फिजी इंटरनेशनल का खिताब जीता है जो उनका यूरोपीय टीम पर पहला खिताब है, और टोटल उनका यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहे विद्यालक्ष्मी पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा विद्यालक्ष्मी पोर्टल का संबंध शिक्षा लोन से है। 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राएं घर बैठे एजुकेशन लोन ले सकते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार ने विद्यालक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। और पोर्टल पर सुविधाएं कौन सी मिलेंगी? बैंकों की एजुकेशन लोन स्कीमों की जानकारी पोर्टल पर मिलेंगी। इसके अलावा कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन, एक साथ 3 बैंकों में लोन आवेदन करने की सुविधा, बैंकों के लिए छात्रों के लोन
एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा, बैंकों की ओर से लोन की प्रोसेसिंग की जानकारी, छात्रों के लिए लोन से जुड़ी जानकारी लेने और शिकायत करने की सुविधा, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से लिंक। ये सभी सुविधाएं विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने दूरसंचार उपकरणों के शून्य आयात को हासिल करने की सिफारिश की है? तो इसमें आंसर आएगा 2022 तक। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जे एस शर्मा, और ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इम्फाल में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा, यह मंजूरी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई है। और 325 एकड़ में बनने वाले कैंपस की जमीन राज्य सरकार मुफ्त में देगी। विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है, इसके लिए 524 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में साहित्य चोरी पर एक नया नियम तैयार किया? तो इसमें आंसर आएगा, यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और ऐसे में साहित्य चोरी के दोषी पाए गए शोधार्थी पर पंजीकरण रद्द हो सकता है और अध्यापकों की नौकरी जा सकती है। और यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना उस समय के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला ब्लॉकचेन जिला आएगा? तो इसमें आंसर आएगा तेलंगाना राज्य में, और तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा न्यूक्लियस विजन और 1101 फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशनों में रिकॉर्ड रखने के लिए ई मलखाना लॉन्च करने के लिए कौन सा जिला देश में पहला जिला बन गया? तो इसमें आंसर आएगा दक्षिण पूर्व जिला दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने बैंकों के खाते खोले गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 32 करोड़ 17 लाख खाते खोले गए हैं। क्विज के लिए आपका क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला न्यायाधीश कौन होंगी? आपके ऑप्शन है आर भानुमाथी, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने गाय के गोबर से सेल्यूलोज अलग कर उसे फैशनेबल ड्रेस बनाने का तरीका निकाला है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, नीदरलैंड, चीन और ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।